बात बीजेपी के एक और सांसद की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। दरअसल मुस्लिमों पर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था उस पर वो अब अड़ गए हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ये कहा था कि उन्हें वोट बैंक की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने फिर ये कहा कि मुस्लिमों ने ना तो हमें कभी वोट दिया है और ना ही कभी देंगे। मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी सांसद ने फिर पूछा कि हर आतंकी मुस्लिम क्यों होता है। बीजेपी के मुस्लिम वोट बैंक साधने के मिशन पर ये तमाम सांसद क्या मिट्टी डाल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता कह चुके हैं कि बीजेपी सबको एक निगाह से देखती है, एक नजर से देखती है, और सांसद इस अंदाज में बयान देते हैं। मैंने केवल इतना कहा कि क्यों इस देश में हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है और क्यों मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, क्योंकि वो मुख्य धारा में आना नहीं चाहता, विकास के साथ में जुड़ना नहीं चाहता। तो हर पार्टी मुस्लिमों को हमेशा वोट बैंक के रूप में देखती आई है, मगर मुस्लिम विकास की धारा के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। तो क्या उनके बच्चों को मदरसों में ये सिखाया जाता है कि हमारे प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनको ये भड़काया जाता है? तो क्या कारण है वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। तो बयान आपको भी जरूर याद होगा, सुनाते हैं आपको। बागपत में बीजेपी के युवा सम्मेलन के दौरान उन्होंने वो बयान दिया था। हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते। मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है ना कभी वोट करेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है, एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है। और हम किसी भी समुदाय की चिंता नहीं, हम राम मंदिर बना के रहेंगे।